हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन टेस्टी कुकिंग बाय सोनिया। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी फ़िश करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं फ़िश करी, तो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आपके पास कोई भी फ़िश अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, फ़िश को मैंने धो लिया है और इसको अच्छे से एक पेपर पर सुखा लिया है। इसको इसका पानी, सारा एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। 10 से 15 मिनट हम इसको मैरिनेट करेंगे मसाले लगा के। अब आगे की रेसिपी पे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसकी एक साइड को नमक, मिर्च और हल्दी लगाई है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, एक साइड मैं लगा चुकी हूँ। ये देखिए, आपने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर को ऐड करना है। अच्छे से इसमें लगाएंगे ताकि मसाले अच्छे से लगें इसमें। और ये देखिए हल्दी, और इसी के साथ हमने नमक को ऐड कर देना है। और इनको हम मिक्स कर लेंगे। दोनों साइड मैंने लगाया है। ये देखिए, अब ये मैंने दोनों साइड इसकी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी नमक ये लगा दिया है। अब हम इसको इस तरीके से मसल लेंगे अच्छे से इसको, ताकि मसाले अच्छे से लग जाएं इसके अंदर दोनों साइड इसकी। ये देखिए, मैंने लगा के रखी थी। और 15 से 20 मिनट तक छोड़ेंगे इसको, ताकि इसके अंदर जो स्मेल है फिश की वो निकल जाए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्टोव को ऑन कर दिया है और एक कढ़ाई के अंदर मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया। अगर आपके पास रिफाइंड ऑयल अगर नहीं है तो आप इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है उसमें। मेरे पास है नहीं तो मैं रिफाइंड ऑयल के अंदर इसको बनाऊँगी। तो यही जो तेल जो हम फ्राई करेंगे मच्छी को, उसके बाद जो ये तेल है तड़के के लिए थोड़ा सा यूज़ करेंगे। अब हमने इसको एक एक करके डाल देना है। फिश की मैंने दोनों साइड इसकी मैंने फ्राई कर ली है। अब मैं एक एक करके इसको निकाल लूँगी। ये देखिए फ्राई हो चुकी है। ये देखिए सभी फ्राई हो चुकी है, ये मैंने निकाल ली है। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। अब देखिए, ये कढ़ाई मैंने रख दी है, स्टोव ऑन कर दिया है, और वही उसमें से कढ़ाई में से तेल निकाल के मैंने इसमें डाला है। वही तेल को मैं यूज़ करूँगी। अब हमने इसमें मेथी दाने को ऐड करना है और थोड़ी सी सरसों ऐड करेंगे इसमें। और इसी के बाद जीरा, सूखी मिर्च, ये मैंने एक मीडियम प्याज डाला इसके अंदर। ये प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा। प्याज हमारी भुन चुकी है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चिली क्रिस्प को डालना है। फ्रेश की भी अगर हो तो वो डाल लीजिए। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर हम, और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अदरक लहसुन डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा भून लिया है, और दो टमाटर इसको मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, और ये मैं इसमें ऐड करूंगी। और इसको हम पका लेंगे। टमाटर हमारे भून चुके हैं इस टाइम। ये देखिए, यहाँ पर आपको मसाले दिखा देती हूँ। किचन किंग मसाला है, सूखा धनिया पाउडर है, नमक है, हल्दी है, चिली पाउडर है, कश्मीरी चिली पाउडर है,
अब आप इसके अंदर मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले मैरिनेट में भी मिर्च और मसाले हल्दी यूज़ की थी, तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ये। इस टाइम हमारे भून चुके हैं, तेल देखिए साइड पे आ गया है। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली को ऐड करना है, ये मैंने काट के रखी थी पहले, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी थिक चाहिए तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं पानी को, और इनको मिक्स कर लेंगे। अब हमने थोड़ा पानी पका लेना है इसको, और फिर उसके बाद हमने इसमें मछली को ऐड करना है। ये देखिए अभी पानी हमारा बॉईल हो चुका है, अब हमने एक एक करके फिश को इसमें ऐड कर देना है। और इसको पकने देंगे हम, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से मछली के अंदर मिल जाए। और इसको मैं ढक्कन लगा के इसको मैं बॉईल कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसके अंदर। अब हमने इसके अंदर इमली, इमली का मैंने पानी बना के रखा था, ये मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा अच्छा सा इसमें खट्टा सा टेस्ट आएगा। और इसी के बाद यहाँ पर मैं कोकोनट मिल्क ऐड कर दूंगी, अगर आपके पास हो तो डाल लीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी फिश बनती है। और इसी के बाद मैंने इसमें गरम मसाला ऊपर से ऐड करना है, और कसूरी मेथी धनिया बाद में डालेंगे, ये थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है, और थोड़ा ढक्कन लगा देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया था इसके अंदर थोड़ा पहले, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसके अंदर मैं ऊपर से और ऐड कर दूंगी, और यहाँ पर हमने सूखी मेथी को ऐड करना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। और इनको हम कर लेंगे मिक्स। ये देखिए ग्रेवी मैंने इतनी रखनी है, आप चाहे तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं, पानी कम या ज़्यादा रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी, और राइस के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी रहेगी। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको गार्निश कर दिया हरदनी से, और बहुत ही टेस्टी, और देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी टेस्टी है खाने में। तो आप जल्दी से जाएं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें मोर वीडियो देखने के लिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, और कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं आपकी रेसिपी कैसी बनती है, इसे बनाएं, और मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।